नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और वो भी इन हिंदी। तो कहते हैं ना कि कभी किसी को रास्ता दिखाते हैं, उसको तरीका बताते हैं। नए नए कोर्सेज में आपको बताता हूं तो मेरे से व्हाट्सएप पे भी लोग पूछते थे, कुछ स्टूडेंट पूछते थे, सर कोर्सेज के बारे में बताते हो, नई नई चीज़ें बताते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन कौन बताएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके साथ साथ उनके आंसर्स भी। तो मैं ट्राई करूंगा अपने तरीके से उन क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है, जो आंसर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो मैं इसको एक अलग तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन को मैं अपने डिजिटल बोर्ड पर यहां पर आपके साथ डिस्प्ले और एक एक क्वेश्चन के मैं आंसर्स बताऊंगा विद सॉल्यूशन और विद रीजनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आज मैंने इस लिस्ट में लिए हैं। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी अपने वीडियोस में इंक्लूड करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन है इंटरनेट से क्या क्या किया जा सकता है। ये मैंने पहले ही बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हमारे सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी में और उनके आंसर्स भी होंगे हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस मैं आपके साथ पहले बता देता हूं। अच्छा लग रहा है मुझे केबीसी खेल के, राइट। तो पहला ऑप्शन है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, जिसको हम शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। हम लैपटॉप से भेजें, मोबाइल से भेजें, इट डजेंट मैटर, बट हम ईमेल भेज सकते हैं। दूसरा है वेब पेज देखे जा सकते हैं, यानी हम जो भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल के पेज खोलते हैं, जितने भी वेबसाइट्स खोलते हैं उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है वेब पेजेज में। तो दूसरा ऑप्शन है बी, वेब पेजेस देखे जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सी, विश्वभर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारा ये कहता है कि विश्वभर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट कनेक्टेड रहती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जिन लोगों को हिंदी में नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शंस हैं और इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये इसका आंसर पता होगा। ऐसा कोई सा इसमें से ऑप्शन नहीं है जो हम इंटरनेट के थ्रू नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा अगर मुझे ईमेल भेजनी है तो नेट ही नहीं होगा मेरे फोन में या फिर मेरे लैपटॉप में, तो मैं वो ऑप्शन नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, अगर मुझे वेब पेज कोई भी ओपन करना है, इंटरनेट पे कुछ भी देखना है, तो वो मुझे इंटरनेट चाहिए उसके लिए। और तीसरा ऑप्शन है अगर मैं कनेक्ट हो रहा हूं, एक जगह से मैं दूसरी जगह कनेक्ट हो रहा हूं, तो मुझे इंटरनेट चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन ठीक हैं, तीन ऑप्शन ठीक हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कंप्यूटर जी प्लीज जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें, ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डेटा को क्या कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता देता हूं। कंप्यूटर की भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है डेटा। लेकिन डेटा क्या होता है फ्रेंड्स? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो हमारे काम का नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज डेटा। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सब कुछ है, वो सारे को बोलते हैं हम डेटा। इसमें मैं आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसके पहले, सबसे पहले इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, प्रोसेस्ड, बी ऑप्शन है आपका ग्राफ, सी ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन और डी है प्रेजेंटेशन। तो अभी मैं बात कर रहा था डेटा की, अब मैं बात करूंगा अगर हम उस डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं ना, तो वो डेटा बन जाता है हमारा इंफॉर्मेशन, वो हमारे काम की होती है। यानी नेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, वो है डेटा, और अगर मैंने उसमें से अपने काम का कुछ निकाल लिया, वो बन जाता है मेरा इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लोग समझ सकें यानी उनको समझ आए, उनके काम की चीज हो, और ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डेटा को उसका यूज भी कर सकें, प्रयोग कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। इसका आंसर है सी, आंसर है आपका इंफॉर्मेशन। तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं विद रीजन में, उनका ट्राई कर रहा हूं कि उनके आंसर बताए जाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू इसके अंदर चार ऑप्शन है, एक को आपको टिक करना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शुद्ध हिंदी बोलने में बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। तो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसके ऑप्शन है चार ऑप्शन। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है ए, ई सेलिंग एंड बाइंग, याद रखना जो हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर होता है हमें वो देना होता है। दूसरा है ई ट्रेडिंग, तीसरा है ई फाइनेंस,
और चौथा है आपका ई कॉमर्स। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, और चौथा है हमारा ई कॉमर्स। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बताया मोस्ट सुटेबल आंसर हमें देना होता है। कुछ कंफ्यूज करेंगे ये आंसर्स, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप इंटरनेट पर जो चीजें खरीदते हैं ना और लेते हैं, आपने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुने होंगे, आप यूज भी करते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो अगर आप सिंपल से टर्म इनके साथ देखें ना, तो बड़ा सिंपल सा टर्म यूज होता है ई कॉमर्स, यानी आप बेच रहे हैं, ले रहे हैं। ये जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेट पर बिजनेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारा डी, यानी कि ई कॉमर्स। तो तीन क्वेश्चन का मैं आंसर बता चुका हूँ, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रयोक्ता, प्रयोक्ता मतलब यूजर, जो व्यावसायिक नहीं है। कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं है, उन्हें कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो पेरिफेरल यूजर्स, पहला ऑप्शन है पेरिफेरल यूजर्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्रामर, ओ बापरे, और तीसरा ऑप्शन है लाइब्रेरियन, और चौथा ऑप्शन है एंड यूजर। तो भाई मैं सिंपल सा बता देता हूं, ये काम की क्या चीज है, जिन्हें ना उस चीज की बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनको सिर्फ अपना काम करना होता है, लेकिन एक्चुअल यूजर वही होते हैं उस सिस्टम के, उनको बोला जाता है एंड यूजर। तो इसमें हमने कहा कि जो व्यावसायिक नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कंप्यूटर का, बट एक्चुअल में तो वही यूज कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं एंड यूजर। प्रोग्रामर तो कोडिंग करते हैं भैया, लाइब्रेरियन तो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में अपना बुक्स रखते हैं, जो भी चीजें हैं वो लाइब्रेरी संभालते हैं, तो वो एक्सपर्ट यूजर नहीं है। कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन अपना यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल यूजर वही होते हैं, तो उनको बोलते हैं एंड यूजर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो है डी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, एंड यूजर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं डेटा फाइल्स के बैकअप में निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है। डेटा फाइल्स, अगर हमारे पास कुछ डेटा है, उसकी कुछ फाइल्स हैं, हम उनका बैकअप ले लेते हैं, तो किस के बचाव में हमें सहायता मिलती है, यानी क्या नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है इसका, गोपनीयता खत्म हो जाती है, गोपनीयता के खत्म होने से ये, तो होप सो अभी देखेंगे क्या आंसर है। दूसरा है डेटा के डुप्लीकेशन से, यानी डेटा डुप्लीकेट तो नहीं होता, ये हम बचा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वायरस के इन्फेक्शन से, यानी वायरस नहीं आएगा। और चौथा ऑप्शन है भैया डेटा के लॉस होने से। तो आपको पता होगा जब हम बैकअप ले रहे हैं तो किससे बचना चाह रहे हैं हम, गोपनीयता खत्म मतलब सिक्योरिटी खत्म हो गई, आपका कोई प्राइवेट डेटा था वो देख लिया, ये तो नहीं हो रहा। इसमें हम बैकअप ले रहे हैं तो सिक्योरिटी कहां से बात आ गई, डेटा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की भी बात नहीं है, है ना। वायरस का इन्फेक्शन, हम कोई पास, हम कोई सर्वर की बात नहीं कर रहे, हम कोई एंटीवायरस की बात नहीं कर रहे, तो बैकअप क्यों लेते हैं भाई, एक कॉपी है दूसरी बना के रख लो, ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। अगर मेरा फॉर्मेट हो गया, वायरस आ गया, कुछ हो गया, तो वो डेटा करप्ट ना हो। तो आंसर इसका क्या करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डेटा के लॉस होने से, यानी डेटा फाइल्स के बैकअप में अगर आप बैकअप लेते हो तो आपको किस में सहायता मिलती है, डेटा के लॉस होने से, आपका डेटा का लॉस नहीं होगा, इसीलिए आप बैकअप लेते हो। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जिससे आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। आप वर्ड में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट, आप पेंट, किसी भी कर रहे हो, अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो भैया बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, तो आपने यूज भी करा होगा, अगर आप यूज करते हो कंप्यूटर लैपटॉप तो आपको पता होगा, तो कौन सा शॉर्टकट होता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F5, ऑप्शन सी शिफ्ट ए, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसके चार ऑप्शन थे, तो करेक्ट आंसर क्या है, अगर आप लोगों ने लैपटॉप यूज किया है, कंप्यूटर यूज किया, तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब भी हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं ना किसी का भी, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए। बड़े सिंपल से शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट तो सब लोग यूज करते हैं जनरली। अगर मुझे सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए, अगर मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, अगर मुझे सेव करना है तो कंट्रोल एस, अगर मुझे कट करना है तो कंट्रोल एक्स। ये सारे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए शॉर्ट में, बट अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर था ओनली कि पूरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, तो कंट्रोल प्लस ए। तो इसका पहला आंसर ए आंसर इसका ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम बात करते हैं स्कैनर क्या स्कैन करता है भाई। तो स्कैनर समझ गए ना, स्कैनर, स्कैनर यानी कुछ दिखाया और वो स्कैन कर लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले आता है। तो पहला ऑप्शन है पिक्चर, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन है सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, और चौथा ऑप्शन है डी ना तो पिक्चर ना तो टेक्स्ट। तो ऐसी क्या चीज करता है भाई, तो ये तो डी तो मुझे लग ही नहीं रहा, आप बताओगे क्या हो सकता है।
तो स्कैनर जो होता है वो भैया आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर है या फिर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट। मार्कशीट स्कैन कराते हैं ना, तो उसमें कोई पिक्चर भी लगी होगी, मेरी फोटो लगी होगी, मेरे मार्क्स भी लिखे होंगे, वो पूरे को स्कैन कर लेता है। तो स्कैनर दोनों चीजों को स्कैन कर लेता है। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा इसकी इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपके ईमेल को, जो आपके ईमेल, जो हमारे ईमेल अकाउंट होते हैं ना, खाता मतलब अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे ए, होस्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा ईमेल क्लाइंट। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, ईमेल सर्वर। और चौथा ऑप्शन है हमारा लिस्ट सर्वर। ईमेल क्लाइंट तो हम खुद ही हो गए ना, हम ईमेल का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो हम हुए, ये तो हमारा ऑप्शन हुआ नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, ईमेल सर्वर। तो जो ईमेल का सर्वर होता है, जैसे अगर मैं जीमेल यूज कर रहा हूं तो जो जीमेल का सर्वर होगा या गूगल का सर्वर होगा, गूगल का ही एक्चुअली प्रोडक्ट है जीमेल, तो उसका ही सर्वर, यानी कि मेरे जो ईमेल है उसका सर्वर, सर्वर यानी जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, आपके ईमेल खाते को होस्ट वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं ईमेल सर्वर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, वेबसाइट में होम पेज क्या कहलाता है ना। तो हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका होम पेज क्या होता है भाई, है ना, क्यूरियोसिटी भी होती है, होम पेज किसको कहते हैं। तो कौन कौन से जरा ऑप्शंस लेकर आइए प्लीज। पहला ऑप्शन है आपका सबसे हाल का पेज, हाल का मतलब रीसेंट। दूसरा है अंतिम पेज, मतलब लास्ट वाला पेज। तीसरा है सबसे अच्छा पेज, बेस्ट या फेवरेट। और डी ऑप्शन है हमारा प्रथम पेज, मतलब फर्स्ट पेज। तो भैया होम पेज किसको कहते हैं, होम मतलब सबसे पहला, है ना। तो इसमें ऑप्शन है आपका डी, प्रथम पेज, है ना। सबसे हाल का पेज नहीं, रिसेंट नहीं, लास्ट भी नहीं, और सबसे अच्छा भी नहीं। तो जो आपने कोई वेबसाइट खोली उसमें सबसे पहला जो पेज खुला, जैसे मैंने www कुछ टाइप किया, तो जो पहला पेज खुला उसको बोलते हैं होम पेज। जो लोग इंटरनेट जानते हैं उनको ये पता होगा अच्छे से कि प्रथम पेज का मतलब क्या होता है, मतलब उसको हम होम पेज ही कहते हैं। एक और चीज बता देता हूं, अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं या फिर आप ओ लेवल वगैरह का कोर्स करेंगे तो उस फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब डिफॉल्ट पेज। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर इंडेक्स जो फाइल बनाते हैं या पेज बनाते हैं, वो ही आपका होम पेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं, है ना। तो फिजिकल कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की, इसके ऑप्शंस जरा एक बार लेकर आइए प्लीज। पहले ऑप्शंस बताने से पहले मैं एक्साइटेड हो जाता हूं उसका आंसर बताने के लिए। पहले ऑप्शंस लेकर आइए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन है भाई पेरिफेरल। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं क्या, नहीं मुझे तो नहीं लगता, है ना। सॉफ्टवेयर हम किसी में इंस्टॉल करते हैं तो कब इंस्टॉल हो जाता है, कहां से होता है हम पता ही नहीं होता, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा प्रोग्राम, प्रोग्राम से ही तो सॉफ्टवेयर बनता है, तो प्रोग्राम तो कुछ हो जाए उसको कहां छू सकते हैं, देख सकते हैं कोडिंग को। और अगला है पेरिफेरल, तो इसमें हार्डवेयर की जो डिवाइस होती ना, जैसे आपका स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये चीजें हार्डवेयर की डिवाइस हैं। मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, सारे इनको हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर की डिवाइसेस को हम छू सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है भाई, कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिसे हम दे और छू सकते हैं, तो इसका आंसर है बी, हार्डवेयर। तो ये इसका आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी प्लीज लाइए, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वो कंप्यूटर बूट हो सके। तो ऐसी क्या चीज होती है कि कंप्यूटर हमारा बूट हो जाए। बूट क्या होता है समझ गए, मोबाइल में भी होता है बूट। बूट मतलब जब वो ऑन होता है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपलसरी होता है। वो कब सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा होता है, अभी अब इसमें ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऑप्शंस लेकर आइए प्लीज। पहला ऑप्शन है असेंबलर, बी है कंपाइलर, सी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑप्शन है आपका लोडर। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोडर। तो इन चार ऑप्शंस की बात करें तो अगर मैं आपको सिंपल से बता दूं, आपने देखा भी होगा मोबाइल में बोल देते ना, इसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा बूट करवाता है हमारे सिस्टम को, क्योंकि हमारा सिस्टम जो मोबाइल है या लैपटॉप है
उसकी कंपलसरी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है, उसी के बाद बाकी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होते हैं। तो वो बेस होता है एक तरीके से, है ना। तो आपका बेस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी आंसर है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सी सोशल साइट नहीं है। सोशल साइट सबको ही पता होगा ना, सब लोग सोशल साइट, है ना। सोशल मतलब जिससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, सोसाइटी, सोसाइटी जैसे होती है ना, सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना। तो ऑनलाइन हम कैसे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, 10-20 मेनली हम 3-4 यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो जरा एक बार ऑप्शन लिख आइए प्लीज। पहला ऑप्शन है आपका अमेजन, दूसरा ऑप्शन है आपका ट्विटर, तीसरा ऑप्शन है आपका लिंक्डइन और चौथा ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो कौन सी है ऐसी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। लिंक्डइन किसी ने ना सुना हो लेकिन ये तो सुने होंगे, है ना। हालांकि इसमें फेसबुक का नाम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसको ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ट्विटर, लिंक्डइन, लिंक्डइन में प्रोफेशनल्स लोग जुड़े होते हैं ना, जो वर्किंग लोग हैं वो जुड़े होते हैं। इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, वीडियो डालो, देखो, है ना। ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, उसकी लिमिट होती है थोड़ी सी। फेसबुक पे कोई लिमिट नहीं होती करेक्टर्स की, कितना ही बड़ा लिख दो चलेगा। चैट करो, मैसेज करो, ये सब सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं, सभी में होती हैं लगभग। लेकिन जो अमेजोन है ना, वो अमेजोन वो आपका है ई कॉमर्स के लिए। और बता सकते हो क्या क्या करता है? यस, बहुत सारी चीज़ें हैं अमेजोन की। अमेजोन का एलेक्सा आता है ना, अमेजोन की वेब सर्विसेज होती हैं, अमेजोन के क्लाउड होस्टिंग आती है, सारी चीज़ें अमेजोन करता है। बट अमेजोन का अभी तक सोशल मीडिया नहीं है। तो इसका आंसर है ए, अमेजोन, यानी अमेजोन का सोशल मीडिया नहीं है, बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया हैं। तो आई होप कि इस वीडियोज़ में मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे 12, यानी कि एक दर्जन। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, आंसर अच्छा लगा हो, और आप चाहते हो कि बाकी क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर समझा के, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, है ना। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं या कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, सब चीज़ों का आंसर दूंगा अगले वीडियो में। वीडियो प्रिपेयर्ड है ना, बस मुझे पब्लिश करनी है। आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और सारे कंटेंट में इसी तरीके के लेके आता रहूँगा। आपका जो भी अगला आने वाला एग्ज़ाम है, आई होप कि वो ज़रूर क्लियर होगा अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हो एक बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर डिजिटल कॉन्टेंट। थैंक यू।